कब से कर रहे हो आप लोग ये पेंट? भैया 3 महीने से कर रहे हैं। हाँ। चालू हो जाएगा सर, ओके, हम लोगों का और बढ़िया हो जाएगा। नहीं चालू होगा तो भुखमरी सब आएगी। नहीं जान में, हाँ जान में जान आ रहा है कि सुबह आकर के आराम से जाएंगे, नंबर पकड़ेंगे, दो रोटी कमाने का मिलेगा व्यवस्था। पुल हाँ। बंद है एकदम, नहीं मिल रहा है एकदम कुछ व्यवस्था। बहुत खुशी की बात है चालू हो रहा था। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। देश में कोरोना संकट काल आया। कोरोना महामारी ने पूरे देश को परेशान कर दिया। देश में लॉकडाउन घोषित हुआ। और एक तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में जो हमीद सेतु है, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस सेतु का मरम्मत कार्य शुरू हो गया और ये सेतु करीब 2 महीने से ज़्यादा समय के लिए बंद हो गया। पहले लॉकडाउन और फिर मरम्मत कार्य। अगर मोटी भाषा में हम कहें तो ये हमीद सेतु पिछले 6 महीने से बंद है। इस सेतु से तमाम व्यापार होते हैं, तमाम लोग व्यापार करने के लिए शहरों में जाते हैं। एक तरफ गांव का सिरा है तो दूसरी तरफ शहर का सिरा है और रोजगार के साधन यहां से ढूंढे जाते हैं। लोगों को रोजगार देने का एक प्रमुख साधन बन चुका ये सेतु अब लोगों के लिए परेशानी बन गया, क्योंकि ये जर्जर हो गया, भारी वाहनों की वजह से जर्जर हो गया। अब इस सेतु का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है और आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है कि ये सेतु 2 अक्टूबर से आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। क्या करते हैं आप यहाँ? ऑटो चलाते हैं साहब। ऑटो चलाते हैं तो 6 महीना से करीब बंद था ना? हाँ बंद था। किस तरह से परेशानी हुआ? बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। जो हम लोग सुबह जाते थे नंबर लगाने के लिए स्टैंड पर, आज शाम को नंबर लगाते हैं तो कल नंबर मिलता है। पहले लॉकडाउन था, फिर मरम्मत कार्य, 6 महीना पुल बंद था। आना जाना तो हो नहीं पा रहा होगा। नहीं हो पा रहा था एकदम। तो रोजी रोटी का कैसा प्रभाव पड़ा? अरे बहुत ज्यादा प्रभाव, भुखमरी, पूरा भुखमरी हो गया है एकदम। तो अब कल 2 अक्टूबर से पुल चालू हो रहा है, तो खबर सुन के कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है अगर पुल चालू हो रहा है तो जान में, हाँ जान में जान आ रहा है कि सुबह आकर के आराम से जाएंगे, नंबर पकड़ेंगे, दो रोटी कमाने का मिलेगा व्यवस्था। पुल बंद है एकदम, नहीं मिल रहा है एकदम कुछ व्यवस्था। हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई हैं कि सेतु का मरम्मत कार्य कैसे चल रहा था और हमने 30 अगस्त को बताया था कि करीब 1 महीने लग जाएंगे और सेतु को खुलने में, और शायद ये हो भी रहा है कि 2 अक्टूबर से अब ये सेतु चाहे वो भारी वाहन हो और चाहे हल्के वाहन हो, दोनों के लिए खोले जा रहे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, कि करीब 38 टन का भार इस सेतु के ऊपर जा पाएगा। मेरे पीछे देखिए, सेतु का मरम्मत कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है, रंगाई पुताई की जा रही है, इसको एक तरह से जीवन दान दिया जा रहा है। जो सेतु जर्जर हो चुका था, इसका मरम्मत करके इसको जीवन दान दिया जा रहा है। कब से कर रहे हो आप लोग ये पेंट? भैया 3 महीने से कर रहे हैं। हाँ। 3 महीने से चल रहा है ये सारा काम। हाँ। अभी कब तक पूरा हो जाएगा पेंट? काम तो पूरा हो गया, लेकिन ग्रिल में रंग पेंट मार रहे हैं और ये जो है ना, इस पे पेंट मार रहे हैं। बाकी कब तक पूरा हो जाएगा ये? 5-6 रोज तो लगेगा। 5-6 रोज लगेगा। हाँ, साइड का ही काम है, बाकी तो रोड चालू है पूरा। रोड चालू है पूरा। हाँ। साइड का काम बचा हुआ है। हाँ, बस पेंटिंग का काम बचा है। कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड से। झारखंड के रहने वाले हो? झारखंड में कौन जिला? देवघर। देवघर के रहने वाले हो? हाँ। और यहाँ पे काम करने आए? ठेके पे काम कर रहे हो? हाँ। चलिए, तो यहाँ से झारखंड से भी लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। रोजी का मामला है, रोजगार का मामला है, पीछे भी काम चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेदिनीपुर। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं जी। तो अभी सेतु बंद चल रहा था जी, पहले लॉकडाउन, फिर मरम्मत कार्य करीब 6 महीने से बंद था। 6 महीने। किस तरह का फर्क पड़ा आपके ऊपर? हमारे ऊपर तो रोजगार का, गाड़ी पे हमारी किस्त भी नहीं जमा हो पा रही, इतनी कमाई भी नहीं है, देख रहे हैं सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, नंबर भी नहीं मिलता है, बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे छू रखा है। तो कल से सेतु पुनः चालू हो रहा है? चालू हो जाएगा सर, ओके, हम लोगों का और बढ़िया हो जाएगा। नहीं चालू होगा तो भुखमरी समाएगी। नहीं, कल से सेतु चालू हो रहा है तो अब खुशी है आपके अंदर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी है। तो ऐसे तमाम लोग और यहाँ पे देखिए मौजूद है। सैनिक खाला चाचा बढ़िया लगेगा। क्या नाम बा? नाम है मुन्ना नाम है। क्या करें यहाँ? हम तो बैठे लेंगे। है बैठा नहीं, बैठा नहीं, काम धंधा ना चला था। कहाँ खातिर? मंदिर में और का।
भाई पुल जब बंद रहा ला, तो कैसन परेशानी होत रहा भैया? हमनी के तो परेशान ऊपर जाए में रहबे के लिए जा, बाकी हमनियों से ज्यादा तो परेशान आई बच्चा लड़का मेहरारू जो जात बनो वो बतावा बोझा ले ले बा 50 किलो का वो पार होके क्योंकि तो पूरा कपार से पसीना एड़ी तक निकल जी ओकर। तो ये सोचो कि बता परेशानी है परेशानी हमने के तो भाई चलो भुखमरी लगल बटले बा बाकी पब्लिक छोटी छोटी बच्चा कैसे दिए वो बात मतलब अभी पुल तो मरम्मत हो गई बा बाकी मार्शल बुलोरो जात बानी जोन आई ऑटो वाला तो भाई अवे कही है तब आप जात बानो चार चक्का जात पुल चालू हो रहा है कल से हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है चालू हो रहा है तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। रोजगार पटरी पे आ जाएगा कुछ तो आ ही जाएगा ज्यादा नहीं अब तो ट्रेन बंद है अब तो उससे कुछ मतलब सवारियां हम लोग की आती थी अब ट्रेन भी बंद है अभी यहाँ से कहाँ से सवारी निकलेगा जितना हजारों का हजारों सवारी जो आती थी ट्रेन से आज की डेट में कहाँ है सवारी ये है कि पुल चालू जो हम लोग 10 सवारी लेकर जाते थे वो 2-3 लेकर जा रहे हैं 4 लेकर जा रहे हैं कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है बहुत फर्क पड़ रहा है थोड़ा बड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके रोजगार पे फर्क पड़ रहा है इस पुल के बंद होने से, लेकिन 2 अक्टूबर से ये पुल पुनः चालू हो रहा है तो ये इनके लिए खुशी की बात है।